उस आदमी ने हमारे सारे पैसे ले लिए थे ग्राइंडिंग मशीन तो के बेसिकली लिए। हम स्कैम हो गए, हम स्कैम हो गए। शायद आप देख सकते हो कि आज हमारा यूनिफॉर्म थोड़ा अलग है। तो ये यूनिफॉर्म जो है ये एक्चुअली हमारा स्पाइस मिक्स उसका लोगो है। तो हमने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, सब जान लेते हैं, चलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। और मेरा नाम सिद है। और इस हफ्ते हम आपको हमारा मसालों का बिजनेस के बारे में सब बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा अलग है और हमने डिसाइड किया कि हम आप सबको हमारा बिजनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मुझे पता भी नहीं था कि आप सबको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, पर ऑनेस्टली हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आए हैं। तो हमने सोचा एक पूरी वीडियो बनाते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये मसालों का बिजनेस कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा मेमोरी लेन में ट्रिप लेते हैं, तो टाइम मशीन के साथ पीछे जाके ये तो अब ईयर है 2020, सो ऑलमोस्ट 4 साल पहले हमने ये स्पाइस बिजनेस शुरू किया था। तो हम सिर्फ एक ही स्पाइस मिक्स बेचते हैं, तो कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही है। एक ही मिक्स में 38 इंग्रेडिएंट्स है, तो सब इंग्रेडिएंट्स एक मिक्स में वो सेल होता है। 2020 में हमने ये बिजनेस शुरू किया, लेकिन उससे भी पहले स्पाइस मिक्स पैदा हुआ था। तो स्पाइस मिक्स का बिजनेस कैसे शुरू हुआ ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी स्टोरी क्या है। Yes. तो थोड़ा बताते हैं हमारे स्टोरी के बारे में। तो जब हम दोनों ने अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करी, क्योंकि हमारा काम, हम माइनिंग इंजीनियर्स है, एक्सप्लोसिव इंजीनियर्स, हमें माइंस में शिफ्ट होना पड़ा बहुत दूर मम्मी पापा से, फैमिलीज और फ्रेंड्स से। तो करीबन घर से 2000 किलोमीटर दूर हम रह रहे थे, तो हम दोनों एक दूसरे से 1 घंटा दूर रह रहे थे। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। काम पे हम 5 बजे पहुँचते और फिर रात को साढ़े सात बजे घर पहुँचती मैं। माइनिंग में वो खाना देते थे, पर बहुत ही ज्यादा बोरिंग खाना देते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो जहाँ पे मैं रह रही थी, मेरे पास अपना किचन था, ताकि जब मैं घर पहुँचूँ मैं खुद बना लूँ अपने लिए खाना। पर जब मैंने यूनिवर्सिटी खत्म करी थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। कभी कभार खाना अच्छा बनता, कभी कभार खाना नहीं अच्छा बनता, क्योंकि मसालदानी थी ना, और फिर हर थोड़ा मसाला खाने में डाल रही हूँ थकी हुई हूँ काम के बाद। तो मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनको बता रही थी कि आज का खाना मेरा अच्छा नहीं बना, बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा था। पर वो मेरे से इतना दूर रहते थे, तो यूँ भी नहीं था कि वो आके मेरे लिए खाना बना जाए, ऐसे कुछ नहीं था। तो फिर पापा ने बोला कि चलो मैं आपके लिए एक मसाला बनाता हूँ, ताकि जब आप काम से घर वापस आओ बस अपनी सब्जियां उबाल लो और ये मसाला बना बनाया होगा और ये मसाला बस ऊपर छिड़क देना। मैंने बोला अच्छा, गुड, परफेक्ट। पापा ने वो मसाला बनाया, और मम्मी पापा ने दोनों साथ में ही बनाया और ये मेरे पास भेज दिया। तो ये सारा प्री स्टोरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मसाला मेरी डेली रूटीन में है, मतलब मैं हफ्ते में 4 बार खाती हूँ, मैं बेसिकली हर रोज खाती हूँ। ये अभी तक बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ स्पाइस की स्टोरी है। मैं और भैया और सिर हम सारे ये मसाले खा रहे हैं, काम पे लेके जाते हैं, खाने पे छिड़क लिया थोड़ा। और फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठ रही हूँ और कोई आदमी घूम रहा है और कहता है ये स्मेल क्या है, और मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ और मैंने बोला मेरा खाना है, क्या प्रॉब्लम है। और वो आके मेरे ऑफिस में कहता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये है क्या। मैं थोड़े शॉक हो गई कि ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है कि मैंने बोला ये बस मसाले है, मेरे पापा बनाते हैं और मेरे पास भेजते हैं। और वो बोला ओ माय गॉश प्रिया, प्लीज मुझे थोड़ा ये मसाला दे, तो हम घर में करी बनाते हैं, मैं इसको उसमें यूज़ कर लूँगा, प्लीज़। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने बोला ठीक है, ऑफकोर्स। तो मैंने एक ज़िपलॉक बैग लिया, उसमें 2 चम्मच डाल दिया, उसको दे दिए। फिर वो अगले हफ्ते आता है काम पे और वो कहता है इतना अच्छा था, मेरे बीवी बच्चे अपने उंगलियाँ चाटते रह गए। और मैंने सोचा वाओ अच्छी बात है। फिर सारे लोग काम में, 10 लोग आते हैं ऑफिस में और बोलते हैं प्रिया मुझे भी दे देना मसाला। और फिर ऑफिस में ऐसी चीज बन जाती है कि प्रिया तूने हमें क्यों नहीं दिया मसाला। तो बेसिकली फिर पापा ने जो मसाला बनाया मैं सबको थोड़ा सा दे दिया, लेकिन फिर मसाला खत्म हो गया। तो फिर प्रिया ने प्रिया के पापा को काइंडली पूछा कि आप और थोड़ा बना के भेज सकते हैं। अंकल थोड़ा शॉक हो गए कि इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, अच्छा कोई बात नहीं और बना देते हैं। यूँ हो गया, हाँ खत्म हो गया, पापा ने और भेज दिया। फिर उस टाइम हमने वीडियोज बनाना शुरू करा था। तो ये एक फैक्टर है, एक है काम और मसाला। अब शुरू होता है सोशल मीडिया। तो अब टाइम है 2019, हाँ तो अब है सितंबर 2019। हमने तब सोशल मीडिया पे थोड़े से वीडियोस डालना शुरू करा था। उस वक्त भी हमारे पास एक छोटी सी वैन थी जो आप
जानते हैं ऑफकोर्स हमारी छोटी वैन, हमारी पहली वैन, वो वैन हमारे पास थी और हम वीक ऑफ वीक ऑन काम करते थे, यानी कि एक हफ्ता काम होता था माइनिंग में और एक हफ्ता छुट्टी, और उस छुट्टी के हफ्ते में हम घूमने जाते थे, और घूमने के वक्त प्रिया वैन में दाल बना रही थी और उस दाल में उसने डाला था अपने पापा का स्पेशल स्पाइस मिक्स, और वो वीडियो हो गया वायरल। सब लोगों के कमेंट आने लगे कि ये कौन सा स्पाइस है भाई, ये कौन सा स्पाइस है, हमें भी चाहिए ये स्पाइस मिक्स। तो 2-3 महीने हो गए थे और मैं वीडियोस बनाती गई रेसिपीज और उसमें मैं डालती थी, सबने नाम कर दिया ये प्रिया का डैड स्पेशल स्पाइस मिक्स है। हाँ, तो ये नाम हमने एक्चुअली रखा नहीं, तो हमारा बिजनेस का नाम है डैड स्पेशल स्पाइस मिक्स। फॉलोअर्स है जो वीडियोस देख रहे थे उन्होंने ही नाम रख दिया था। तो आई थिंक 3-4 maybe 6 महीने हो गए थे रेसिपीज बनाती गई मसालों के साथ, और फिर सबने पूछा कि हम ये खरीदना चाहते हैं। फिर मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बना लिया और उस पर बेचना शुरू कर दिया, और फिर लोगों के ऑर्डर भी आने लग गए। मतलब हमने प्रमोट भी नहीं करा था, मैंने किसी को बोला भी नहीं था कि आप खरीद सकते हो। और ऑनेस्टली ये बिजनेस शुरू करने का आइडिया था ही नहीं कभी, ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ, like सब लोग पूछ रहे थे तो हमने स्टार्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत में ऑर्डर्स कैसे पैक किए थे। यहाँ पे एक वीडियो डालती हूँ, यहाँ पे एक वीडियो डालते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ना फैसिलिटीज थे ना मशीन थे, बस थोड़ा जो स्पाइस मिक्स था वो हम सील करके पैकेजिंग में लोगों को भेजते थे एक छोटे से पेपर के पाउच में। अभी भी वो ही पैकेजिंग में भेजते हैं, पर तब कोई प्रिंटिंग नहीं होती थी, ना कोई लोगो था, ना कोई डिजाइन था, हाथ से लिखती थी मैं डैड स्पेशल स्पाइस मिक्स। तो बहुत बहुत ही छोटा सा बिजनेस था, और हमने शुरू में सिर्फ अपने $500 इन्वेस्ट करे थे मसालों के इंग्रेडिएंट्स में, पैकेजिंग पे, प्रिंटर पे जो शायद शिपिंग लेबल प्रिंट करता है, और फिर हमने जो भी पैसे हम बनाते गए वो पैसे हम वापस और इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए और पैकेट्स खरीद लिए। तो अभी हमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी, कुछ नहीं करा था, हम बस थोड़े बहुत सेल्स आ रहे थे, हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे, बस लिंक डाल रखा था अपने प्रोफाइल पे और थोड़े बहुत लोग खरीदते जाते थे। फिर हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा चेंज आया 2021 में। उस वक्त हमने जॉब छोड़ी थी स्पाइस बिजनेस के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए नहीं, बस हमें जॉब हमारी पसंद नहीं थी और हम घूमना चाहते थे इसलिए जॉब छोड़ी, लेकिन वो एक अलग वीडियो है हमारी जर्नी के बारे में जो हम बाद में शेयर कर सकते हैं। आपको वो जानना है तो कमेंट कर दीजिए। हाँ, हमने बस इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी क्योंकि मसालों के कारण, काफी छोटा बिजनेस था, हॉबी था। लेकिन फिर 2021 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, वो अपॉर्चुनिटी था सिडनी रॉयल ईस्टर शो। ये सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा मेला है, 12 डेज का शो होता है और उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग आते हैं। उससे पहले भूल गए वीगन मार्केट। हाँ, पहले बताती हूँ वीगन मार्केट्स के बारे में। आप सबको पता है कि वेजिटेरियन क्या है, पर वीगन है मतलब वीगन लोग दूध और घी और दही कोई भी नहीं खाते, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, लेदर नहीं पहनते, हनी भी नहीं खाते। तो सिडनी में हम वो मार्केट में गए क्योंकि हमारा मसाला वीगन ही तो है। हमें देखना था कि लोगों को सच्ची में हमारा मसाला अच्छा लग रहा है या जो हमारे फॉलोअर्स खरीद रहे हैं मसाले को, बस, क्या वो बस nice, यूं ही कह रहे हैं कि अच्छा है। तो हमने हमारी पहली दुकान उस मार्केट में सेटअप की थी, काफी स्केरी टाइम था लेकिन हमने सेटअप किया हमारी दुकान, हमारा सैम्पलिंग स्टेशन तैयार किया था, तो ब्रेड था और रिएक्शन देखते थे कि उनको पसंद आया कि नहीं, और सबको अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। तो हमारी सेल्स एक्चुअली बहुत अच्छी गई उस दिन के लिए और हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि लोगों को एक्चुअली ये स्पाइस मिक्स पसंद है। फिर जब हम घर आए मम्मी ने बोला मुझे कि याद है जब आप 12 साल की थी हम सिडनी रॉयल ईस्टर शो गए थे, मम्मी मुझे और मेरी दो सहेलियों को, हम सबको साथ लेके गए। मम्मी ने बोला वहाँ पे भी तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें थी, प्रिया आप दोनों वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करते। लेकिन वहाँ दुकान डालना एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है और सबको नहीं मिलता, काफी कोशिश करते हैं लोग लेकिन नहीं मिलता। तो 2021 में शो शुरू होने से पहले सिर्फ 5 हफ्ते रहे थे, मम्मी ने बोला एप्लीकेशन डाल लो, मैंने सोचा मम्मी बहुत लेट हो गया है, शो में 5 हफ्ते बाकी है, वो कैसे लेंगे हमारा एप्लीकेशन, हमारा अप्रूवल तो नहीं होगा, लेकिन सोचा कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, एटलीस्ट प्रोसेस सीख लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस है कैसी, ताकि अगले साल के लिए शायद हम रेडी हो जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली ये था कि वो मना करेंगे पर हमें एप्लीकेशन प्रोसेस पता चल जाएगी। तो हमने हमारी एप्लीकेशन डाल दी, ना हमारे पास कोई मशीनरी थे, ना पैकेज थे, ना मसाले थे, बस
यूं ही डाल दिया। और फिर दो घंटे बाद हमें एक फोन आया, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको अगर इस साल ईस्टर शो पे दुकान लगानी है तो आप लगा सकते हैं, प्लीज आपका डिपॉजिट और पेपर वर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। हमने सोचा चलो यार अपॉर्चुनिटी मिली है, कर लेते हैं। तो पहले बताते हैं कि हमें ये स्पॉट मिली कैसी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट सेकंड किसी ने कैंसिल किया था और वो दुकान की ओपनिंग ठीक टाइम पे हमने एप्लीकेशन डाला जिसी वक्त उसने कैंसिल किया था और वो दुकान हमें मिल गई। तो बस कोइंसिडेंस था, बस हमें मिल गई, तो बस लगता। तो अब शुरू हुआ स्ट्रेस, क्योंकि ना हमारे पास ज्यादा पैसे थे, ना हमारे पास पैकेजिंग था, ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट था, ना हमारे पास कोई मशीन्स थे और ना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे आपने देखा हम वैन कैसे बनाते हैं बिना एक्सपीरियंस के, तो हमने सोचा हम थोड़ी आदत है बिना एक्सपीरियंस के ट्राई कर लेते हैं और अगर फेल भी हुए तो एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने हाँ कह दी और काम पे शुरू हो गया। और इस 12 दिन के लिए इस दुकान को लगाने के लिए जो फीस थी वो फीस एक्चुअली हमारे वैन के कॉस्ट की थी। तो हम जिस घर में वैन में हमारे रहे थे उसी कॉस्ट हमें खर्च करके ये दुकान डालना था। हमने दो तीन दिन का टाइम ही था हमारे पास डिसाइड करने के लिए। हमें लगा कि इतने पैसे इस पर दुकान डालने के हैं, मतलब ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ दुकान के किराए के। जैसे हमने हाँ कह दिया, बड़ा डिसीजन लिया, काफी रिस्क था, लेकिन हमने डिपॉजिट भर दिया, पैसे भर दिए और काम पे शुरू हो गया। और इस टाइम में हमें पैकेज भी मंगवाने थे, हमारे पास कोई भी पैकेजिंग नहीं था, ना मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था। और इस टाइम में हम एक्चुअली मसालों को एक ब्लेंडर में बनाते थे, तो एक छोटा सा मशीन था। तो हमने सोचा कि चलो एक ग्राइंडिंग मशीन खरीदते हैं, शायद 2-3 हफ्तों में आ जाएगी, उस टाइम में हम अपने मसालों को सारा प्रिपेयर करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। और हमने इतना टाइम वेट करा उस ग्राइंडर को पहुंचने के लिए, वो कभी भी नहीं आया। उस आदमी ने हमारे सारे पैसे ले लिए थे ग्राइंडिंग मशीन के लिए। बेसिकली हम स्कैम हो गए, हमारा मशीन कभी भी नहीं आया, लेकिन पैसे तो गए। मोर इम्पोर्टेंट, पैसों से ज्यादा हमारा टाइम गया, क्योंकि हमने शुरू करने के लिए वेट की, क्योंकि हम वेट कर रहे थे ये मशीन जब आ जाएगी तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, तो वेट करते हैं। तो अब है 2 हफ्ते, अब बस 2 हफ्ते बाकी है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं, पैकेजिंग नहीं। तो पूरी फैमिली लग गई मसाले बनाने में। तो मेरे पेरेंट्स, प्रिया के पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, सब साथ में मिलकर हमने ये प्रोसेस शुरू की कि प्लीज गाइस हमें ये मसाले बनाने हैं। शो के डिपॉजिट हमने दे दिया, पैकेट्स अभी तक नहीं पहुंचे थे, मतलब शो के 2 हफ्ते बाकी बचे और पैकेट्स अभी तक नहीं पहुंचे। तो हमने मसाले बनाते गए, पूछो मत कि कैसे बनाए। और ऑनेस्टली इतना बड़ा बैच हमने कभी बनाया भी नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था ये बन पाएगा, टेस्ट अच्छी आएगी या नहीं, कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं, सब अननोन था, सब पता भी नहीं था कितना बनाना था। तो हमने मसाले बना लिए, शो के बस 7 दिन बाकी बचे हुए थे। फाइनली हमारे पैकेट्स पहुंच गए थे, हमने सब बस पैकेट में मसाला डालना शुरू कर दिया। तो हमने जब शो शुरू किया हम एक्चुअली बहुत ही थके हुए थे, लेकिन इतना एक्साइटेड थे कि हमारा पहला दुकान इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट और इतनी बड़ी लोकेशन पे था, तो हम एक्साइटेड थे। और हमने इतना अच्छा काम किया, मतलब अ मिलियन लोग आते हैं, आपको उनको रोकना पड़ता है, यूँ नहीं है कि वो आपकी दुकान पे आते और बोलते हैं ये क्या है, आप जैसे वो चलते जा रहे हैं आपको रोकना पड़ता है कि हमारा वुड यू लाइक टू ट्राई आवर स्पाइस में। तो हेलो कि बहुत मज़ा आया, बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत सारे इमोशंस थे। तो ये हमारा 12 दिन का शो, या तो हमारा बिजनेस इसमें डूब जाता या हमारा बिजनेस शुरू होता। जैसा कि आप गेस कर सकते हो हमारा 12 दिन का शो बहुत ही अच्छा रहा, हमारे सेल्स बहुत ही अच्छे थे और लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। बहुत, तो हमें ये यकीन नहीं आ रहा था, हम सोच भी नहीं सकते कि लोगों को इतना पसंद आ जाएगा हमारा मसाला। ये तो हमारा घर का मसाला है और I couldn't believe it. तो हम बहुत खुश हुए, एक्चुअली पूरी फैमिली खुश हुई और हमें हौसला मिला कि ये एक्चुअली हमारा बिजनेस और बड़ा हो सकता है। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मसाले कभी भी बेचेंगे, कभी भी नहीं। मतलब मसाला नॉट, मतलब बिजनेस मुझे हमेशा करना था, पर ये इतना ऑर्गेनिकली शुरू हो गया। हाँ, विदाउट ज्यादा प्लानिंग, विदाउट ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जो लिखा है वो ही होएगा, मतलब आपको बस उसमें से बस जाना पड़, लाइक ये लिखा शायद, था शायद हमारी डेस्टिनी थी। कभी प्लान भी नहीं कर सकते थे हम कि हम मसाले का बिजनेस शुरू करेंगे। ये था 2021 जो हमारा पहला ईस्टर शो था,
फिर हम एक्सपैंड हुए तो थोड़ा ऑनलाइन सेल्स भी हो चुके, नई मशीनरी भी खरीद ली थी। तो जो सारे पैसे हमारे फर्स्ट ईयर के ईस्टर शो में बने वो बिजनेस में वापस हमने इन्वेस्ट कर दिए और मशीन्स खरीदे और पैकेज इंग्रेडिएंट्स प्रोसेसेस फाइनलाइज किए। हमारा बिजनेस थोड़ा बढ़ता गया और बड़े क्वांटिटीज बनाने में थोड़ा आसान हो गया। तो हमारा सबसे बड़ा टिप है कि अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हमेशा प्लानिंग में रखना कि पहले एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए जो भी पैसे आपका बिजनेस बनाएगा वो सारे पैसे प्लानिंग में रखना कि वो सारे पैसे वापस रीइन्वेस्ट हो गए आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस बढ़ाने में, ग्रो करने में। तो आपका बिजनेस आपका बेबी है, आप उससे ले नहीं सकते, आपको बस उसको देना 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 पड़ता है ताकि वो और बड़ा हो जाए। एग्जैक्टली। हमने भी बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत पॉडकास्ट सुने थे और वो सब हमेशा ये कहते हैं, वो तो कहते हैं कि पहले 5 सालों के लिए कुछ भी नहीं लेना चाहिए अपने बिजनेस से, बस उसको बढ़ाना चाहिए। पहले साल में हमारे पास जो मुश्किलें थी वो स्पाइस बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, प्रोसेस नहीं था, टाइम नहीं था, लेकिन इस बार थोड़े पैसे थे, मशीनरी थी, इम्प्रूवमेंट थे, तो ज्यादा बड़ा क्वान्टिटी बना सकते थे और काफी आसान से। मुश्किल है लेकिन पहले से तो आसान है, पहले से बहुत ही ज्यादा आसान था। फिर हमने सोचा कि चलो अमेज़न पे डालते हैं, तो हमने लॉन्च किया हमारा स्पाइस मिक्स अमेज़न US पे, अमेज़न कनाडा और अमेज़न ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ भी हमारे काफी सेल्स हुए, तो वो तीनों मार्केट्स हमारे लिए काफी बड़े हैं वो ऑनलाइन सेल्स के लिए। लेकिन अभी भी हमारा मेन जो बिजनेस है वो ये ईस्टर शो पे रन होता है, तो ये 12 दिन का जो शो होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है स्पाइस बिजनेस के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं हम ये ईस्टर शो के बारे में अब क्यों बता रहे, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में शुरू होने वाला है। 22nd of March to the 2nd of April हम पूरे टाइम ईस्टर शो पे हो गए, लेकिन इस बार आप हमारे साथ चलोगे दुकान देखने के लिए। हाँ, तो पूरा सेटअप, इस वैन को हम अपने मसालों के साथ भरेंगे, टेबल्स के साथ भरेंगे, हम अपना पूरा स्टॉल बनाते हैं। तो अब आया है 2024, तो ये हमारा 4th स्पाइस मिक्स स्टॉल होगा। तो हर साल हमारा प्रोजेक्ट, हमारी सेल्स सब बड़े बड़े बढ़ते गए और हमारे पास और काफी अच्छे मशीन आ चुके हैं। स्पाइस मिक्स बनाना कंपैरेटिवली बहुत आसान बन चुका है, फिर भी बहुत ही डिफिकल्टी है क्योंकि 38 इंग्रेडिएंट्स है। हम तो स्पाइस मिक्स बताए भी नहीं कि एक्चुअल स्पाइस मिक्स है क्या। तो 38 इंग्रेडिएंट्स है, काफी नट्स है, दाल्स है, स्पाइसेस तो है, हर्ब्स, ग्रीन्स, सब कुछ है, सब कुछ है। और एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं, जो लोग मसाले नहीं खा सकते ना वो हमारा मसाला खाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम आपका मसाला खा लेते हैं, कोई हार्ट बर्न नहीं होती, तो... क्योंकि ज्यादा तीखा नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एवरीडे यूज काइंड ऑफ स्पाइस मिक्स है। और हमने बताना भूल गए, तो जब हमने 2nd और 3rd ईयर करा ना हमारा स्टॉल ईस्टर शो पे, तब हमारा मसाला इतना अच्छा बिका कि हम पूरा स्टॉक खत्म हो गया। हाँ, बेसिकली 2021 में हमारा स्टॉक नहीं खत्म हुआ क्योंकि हम नए थे, लेकिन 2022 में जो फिर से शो पे आए थे वो हमें याद रख के और स्पाइसेस उन्होंने ज्यादा खरीद लिया था। हाँ। तो 2022 में हम सोल्ड आउट हुए और पिछले साल 2023 में हम ऑल्सो सोल्ड आउट हुए। तो देखते हैं इस साल सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। हमने बहुत ही ज्यादा स्पाइस मिक्स बनाया इस बार, सोल्ड आउट नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली ये हमारा स्पाइस मिक्स का स्टोरी है। अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज बताना। 4 ऐसे क्वेश्चंस थे, आपका प्लान था कि आप मसाले बेचोगे? बिल्कुल ही नहीं, कोई प्लान था? कोई प्लान नहीं था, ये बस ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड से शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा कोई प्लान था नहीं था कि हम स्पाइस मिक्स बिजनेस कभी भी नहीं कभी शुरू करेंगे। आप कभी इंडिया में बेचोगे? अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया में बेचोगे जरूर, तो अगर इनफ डिमांड है और आप सब चाहते हैं कि हम हमारा स्पाइस मिक्स इंडिया भी लाएं, तो शायद सोच लेंगे, लेकिन अभी तक तो प्लान नहीं है। मसाले कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं, हमारे मम्मी पापा के साथ, सिद के मम्मी पापा के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ। तो दोस्तों, आई होप इस हफ्ते की वीडियो आपको पसंद आई, और अगर आप हमसे मिलना चाहते हो, हम सिडनी रॉयल ईस्टर शो पे 22nd of March to 2nd of April हर रोज हो गए वूलवर्थ्स डोम के अंदर। और अगर आप इंडिया से देख रहे हो और आप आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम सब रिकॉर्ड कर देंगे और आप हमारे साथ दुकान पे आएंगे। और आपके पास और कोई क्वेश्चंस है तो जरूर बता देना कमेंट्स में। अगले 2 हफ्ते के लिए हम शो पे होंगे हमारे बिजनेस के लिए, तो वैन बिल्डिंग थोड़ा पॉज होगा, लेकिन ईस्टर शो बिजनेस आई थिंक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो काफी फन है, तो वो देखने के लिए जरूर आना। और अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय। तो शायद आप कोई लोग नहीं हो
तो शायद आप यहाँ नए हो, शायद आप यहाँ पे नए हो, शायद आप यहाँ 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 पे न्यू हो, शायद आप यहाँ पे न्यू हो। इवन हम एक दूसरे से एक घंटा दूर रहते थे, तो मैं दिन में 14